सो हे गाइस, अगर आप भी अपने फ़ोन के वाईफाई एंड हॉटस्पॉट की रेंज को बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताने वाला हूं जिससे आप अपने हॉटस्पॉट एंड वाईफाई की रेंज को बढ़ा सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने हॉटस्पॉट की सेटिंग में, और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है AP बॉन्ड का, और आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, 2.4 GHz एंड एक 5 GHz। तो आपको 5 GHz पे सेलेक्ट कर लेना है, देन यहाँ से आपकी सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको पूरी सेटिंग्स को बैक करके आ जाना होगा अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में, एंड जैसे सेटिंग में आओगे आपको सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। अब आपको यहाँ से स्क्रॉल करना है, एंड आपको यहाँ से स्क्रॉल करके फाइंड आउट करना है अबाउट डिवाइस की सेटिंग को। तो ये रही अबाउट डिवाइस की सेटिंग, हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे तो एक ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा वर्जन का, एंड्रॉयड वर्जन के नीचे आपको वर्जन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना, फिर वर्जन नंबर का आपको ऑप्शन शो हो जाएगा। इस पर आपको 7 बार टैप करना है लगातार, टिप 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 टिप। जब टैप कर लोगे आप तो आपके सामने इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा, हो सकता है आपका फ़ोन का पासवर्ड मांगे तो आपको उसको दे देना है। देन आपके सामने यहाँ से यू हैव ऑलरेडी डेवलपर ऑप्शन इनेबल का ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आपको पूरा बैक कर देना है, फिर से ओपन करना अपने फ़ोन की सेटिंग को। अब आपको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, स्क्रॉल करके आपको नीचे की तरफ आओगे तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर अपने फ़ोन की सेटिंग में फाइंड आउट करना है आपको ये सेटिंग, एडिशनल सेटिंग। तो ये रही हमारी एडिशनल सेटिंग, क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस होगा। अब आपको यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है, और जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर सिस्टम सर्विस के नीचे डेवलपर ऑप्शन का, तो आपको सिंपली से इस पर क्लिक कर देना है, इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। अब आपको यहाँ पर प्यार से मोहब्बत से किसी चीज़ को ऑन ऑफ मत करना, कुछ भी मत छेड़ना, प्यार से स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है, जब तक आपको यहाँ पर नेटवर्क का ऑप्शन शो नहीं हो जाता। नीचे करते जाना है, नीचे करते जाना है, देख सकते हैं नेटवर्क का ऑप्शन शो हो चुका है। अब आपको थोड़ा सा प्यार से धीरे धीरे स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं 5G का ऑप्शन मिला, 5G नेटवर्क मोड का ऑप्शन मिला। किसी भी सेटिंग को आपको छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है डेवलपर ऑप्शन के अंदर, ओके, जैसा है जो वैसा ही रहने देना है, जो मैं कहता हूँ वही करना है आपको। स्क्रॉल करते जाना, स्क्रॉल करते जाना, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा इनेबल वाईफाई वार बोश लॉगिन, तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा वाईफाई स्कैन टूल विन, ये सब ऑप्शन को आप देख लेना है। अब आपको क्या करना, फिर से आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। अब आपकी यहाँ से नेटवर्क सेटिंग समाप्त हो जाती है, यानी कि आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है अभी इस वर्जन में, तो हम वही एक ऑप्शन को इनेबल करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करेंगे। अब आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे मिल चुका है इनेबल वाईफाई वार बोश लॉगिन, तो आपको सिंपली से इसी को ऑप्शन को इनेबल कर लेना है, और आपका यहाँ पे वाईफाई हॉटस्पॉट की रेंज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो चलिए इस ऑप्शन को हम इनेबल कर लेते हैं, तो आप भी इस ऑप्शन को इनेबल कर लीजिए अपने फ़ोन के अंदर, और आपकी हॉटस्पॉट एंड वाईफाई की रेंज बढ़ जाएगी। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।